What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. Chicken cheese chutney kebab bana raha hu aaj. Ab ye hota kya aapko batata hu, uske pehle thank you so much to all of you. Instagram par YFL family 3 million strong ho gayi hai and this would not have been possible without your love and support. आपने मेरी पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है और इसी की वजह से मैं आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज़ और कंटेंट शेयर कर पाता हूँ. तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और हमारी फैमिली और बढ़ती रहे. अब ये चिकन चीज़ चटनी कबाब क्या है? बेसिकली चिकन शीक कबाब जैसे होता है वैसे एक मिक्सर बनाया जाता है, फिर उसके अंदर चीज़ स्लाइस और एक हरी चटनी बनाकर डाली जाती है और उसको फिर रोल करके क्रम किया जाता है और फिर डीप फ्राई कर देते हैं. एकदम क्रिस्पी सा एक चिकन कबाब बनता है जिसके अंदर शीक कबाब होता है चिकन का, साथ में वो मेल्टेड चीज़ और चटनी का फ्लेवर. तो अगर आपको फ्राइड चिकन पसंद है, शीक कबाब पसंद है, चीज़ और चटनी पसंद है, दिस रेसिपी इज़ माइंड ब्लोइंग और बहुत ही धमाकेदार बनती है. ये बनता कैसे अभी आपको बताऊंगा. और अगर आपने अभी तक वाईफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच रेसिपीज़. ये कबाब को बनाते कैसे हैं अब वो देख लेते हैं. एक बोल लेकर एक मलमल का कपड़ा रख दीजिए, उसमें एक कटा हुआ प्याज और एक चुटकी नमक ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसको एक दो मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए. ये कर इसलिए रहे हैं, जो चिकन कबाब का मिक्सर बनाएंगे उसमें प्याज का पानी नहीं छूटना चाहिए, पानी इसी स्टेज पर हम निकाल लेंगे. एक दो मिनट के बाद प्याज अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा. इसको अच्छे से आपको निचोड़ना है. अच्छे से निचोड़ कर प्याज का जितना पानी आप निकाल सकते हो आपको निकाल लेना है. ये हम कर इसलिए रहे हैं कि चिकन कबाब का जब मिक्सर बनाएंगे प्याज में जब नमक लगेगा पानी छूटेगा और वो कबाब का मिक्सर ढीला हो जाएगा. उसे अवॉइड करने के लिए प्याज का पानी हम यही निकाल देंगे. आप देख सकते हो प्याज से मैंने पानी निकाल दिया, कितना पानी यहाँ पर निकल गया. अब इस प्याज को साइड पर रख दीजिए. अब एक इलेक्ट्रिक चॉपर ले लीजिए, उसमें आधा किलो चिकन ब्रेस्ट आपने ऐड करना है, बोनलेस चिकन ऐड करके आपको इसका कीमा बना लेना है. कीमा आपको फाइन बनाना है, दरदरा नहीं रखना है. अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हो. अगर वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो चाकू की मदद से भी इसका कीमा कर सकते हो. ये आप देख सकते हो मैंने चिकन को पीस लिया है और इसका कीमा रेडी हो गया. ऐसा ही टेक्सचर इसका होना चाहिए. इस चिकन कीमे को अभी एक बड़े से बोल में आपको ट्रांसफ़र कर देना है. इसमें 2 TSP चॉप किया अदरक, 1 TSP चॉप किया लहसुन, 4 चॉप की हुई हरी मिर्ची, जो प्याज हमने तैयार कर रखा था वो ऐड कर दीजिए, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ पुदीना, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 लार्ज चुटकी काला नमक, 1 TSP आमचूर पाउडर, 2 TSP धनिया का पाउडर, 1 TSP तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 TSP जीरा पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च और आधे नींबू का रस ऐड कर दीजिए. ये सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिला लेना है, हाथ अच्छे से साफ कर लेने, धो लेने, फिर अच्छे से मिक्स करना है इसको. और जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मसल मसल के मिक्स कीजिए, हल्की सी बाइंडिंग आ जाएगी आपके चिकन के मिक्सर में. अगर आपने प्याज का पानी पहले ही निकाल लिया जैसे हमने निकाल लिया था तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंडिंग के लिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके चिकन का मिक्सर काफ़ी ढीला है तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर सकते हैं या ब्रेड को हल्का सा गीला करके निचोड़ के उसे भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए. तो बस आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है. हमारे चिकन कबाब का मिक्सर रेडी हो गया है. इसे अभी ढक कर जब तक आगे का प्रोसेस करें तब तक फ्रिज में रख दीजिए. तो चिकन कबाब का मिक्सर हमारा तैयार हो गया और इसको फ्रिज में रख दिया. अभी सेट होने के लिए थोड़ा सेटल हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो इसे हम जब शेप करेंगे तो आसानी हो जाएगी शेप करने में. अब ये जो मिक्सर बनाया है जैसे चिकन शीक कबाब बनाते हैं वैसा ही मिक्सर बनाया और बहुत डिलीशियस लगता है. अगर ये फिलिंग वगैरह आपको नहीं करनी है तो इसके कटलेट्स बना लो या कबाब बना लो और शैलो फ्राई कर लो या पैन के अंदर हल्का सा घी डालकर इसको पका लीजिए शेप करके. बहुत टेस्टी एकदम इसके डिलीशियस वाले चिकन कबाब बनते हैं. बर्गर भी कभी बनाना चाहते हो तो इसकी पैटिस बनाओ, बर्गर के लिए ग्रिल कर लीजिए इसको, तवे पर पका लीजिए और फिर ब्रेड के अंदर डालकर खाइए. बहुत डिलीशियस ये मिक्सर का कबाब या पैटिस बनता है. अब आगे हमें इसमें तो फिलिंग करनी है. और एक चीज़, इसमें अगर आप इसको स्मोक करना चाहते हो यानी जो धुंधार देते हैं कोयले को जलाकर थोड़ा घी डालकर ढक दीजिए, स्मोकी अगर फ्लेवर देना चाहते हो तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग एडिशन है. तो ये प्रोसेस हमारा हो गया है. अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि एक हरी चटनी बनानी है जो हम अंदर इसकी फिलिंग करेंगे. वो चटनी कैसी बनानी है वो देखते हैं. एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 कप ताज़ा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा एकदम पानी और 1 आइस क्यूब डालकर इसकी एक चटनी बना लीजिए. इसको फाइन तरीके से पीस लीजिए. पानी कम से कम यूज़ कीजिए, एकदम गाढ़ी चटनी आपको तैयार करनी है. ये आप देख सकते हो हमारी चटनी यहाँ पर रेडी हो गई है.
तो चटनी भी हमारी बनकर अभी तैयार हो गई है। अब बारी आ गई है इस चिकन चीज़ चटनी का आपको शेप करने की, और इसे शेप कैसे करते हैं इसका जो तरीका है थोड़ा सा यूनिक है। चिकन को एकदम फ्लैट एक लेयर बनाएंगे, उस पर चीज़ स्लाइस जाएगा, चटनी जाएगी, इसका एक रोल बनाएंगे अंडे में और फिर क्रम करके इसको फ्राई करेंगे। प्रोसेस आसान है, एक बार आपको बता दूंगा, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम आसान तरीके से शेप कर पाओगे और सर्व करने में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आपके अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप सर्व कर सकते हो, बहुत अमेजिंग लगता है जब इसको कट करते हो ना अंदर से मेल्टेड चीज़ निकलता है। इसे शेप कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो हमें कबाब को शेप करने के लिए प्लास्टिक की शीट चाहिए, तो यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग ले लिया है। इसको भी कट करके आपको ओपन कर देना है कि आपको एक शीट मिल जाए। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको कट कर दिया और एक लंबी सी हमें शीट मिल गई है। अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक का बैग नहीं है तो ब्रेड का जो रैपर होता है ना उसको भी काट कर खोल लीजिए, सेम काम हो जाएगा। तो ब्रेड का जो पैकेट होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या दूध की थैली होगी उसको भी दूध निकाल लिया अच्छे से धो लीजिए और फिर वो यूज़ कर लीजिए, वो भी आपके काम आ जाएगा। ये प्लास्टिक की शीट की वजह से बहुत आसानी हो जाती है कबाब को शेप करने में। और इसको जैसे हम शेप करने वाले ना रोल बनाने वाले, तो कई जगह पर इसको चिकन चीज़ रोल भी कहते हैं या चिकन चीज़ चटनी रोल भी कहा जाता है, तो इसका एक और एक नाम भी है। अब इसे शेप कैसे करना है देख लेते हैं। तो शेप करने के लिए प्लास्टिक की शीट तो तैयार कर लिए, साथ ही मैं आपको ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने पैन को ब्रेड क्रम्स लिए हैं, आप सादे ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। एक दूसरे बोल के अंदर आपको दो अंडे तोड़कर ऐड कर देने हैं, साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, और अंडों को अभी अच्छे से फेंट लेना है। एक बार आपने क्रम्स और अंडे ले लिए, अब बारी आ गई है चिकन का मिक्सर ले लीजिए जो फ्रिज में रखा था, साथ ही में जो चटनी हमने बनाई थी वो ले लीजिए और चीज स्लाइसेस यहाँ पर रेडी कर लीजिए। थोड़ा सा आपको चिकन का मिक्सर लेना है और ये मिक्सर को प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर रख देना है। अब दूसरे साइड से प्लास्टिक से इसको ढक देना है, ढकने के बाद अपने हाथों से इसको प्रेस करना है और एक इवन पतला लेयर आपको बना लेना है, राउंड शेप में होना चाहिए। एकदम राउंड नहीं होगा तो चलेगा, थोड़ा इररेगुलर शेप भी होगा तो चलेगा, लेकिन एकदम पतला लेयर चिकन का आपको बना लेना है। ऑप्शनली एक बेलन की भी मदद ले सकते हैं और हल्के हाथों से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। एक बार आपने इस तरीके का लेयर बना लिया है, आपको चीज स्लाइस लेकर ऐसे प्लेस कर देना है और साइज चेक कर लेना है। चारों बाजू ऐसे एक लेयर छूटनी चाहिए जिससे हम कबाब को सील कर पाएंगे। तो परफेक्ट यहाँ पर शेप हो गया है। प्लास्टिक ऊपर से निकाल दीजिए केयरफुली, चीज स्लाइस को लेकर बीच में आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है। थोड़ी सी चटनी लेनी है और चटनी को इस तरीके से अप्लाई कर देना है। एक बार आपने ये कर लिया तो अभी देखो मैं इसे कैसे शेप कर रहा हूँ। प्लास्टिक की ही मदद से हम इसको साइड से इस तरीके से सील करेंगे कि बाजू में से चीज़ ऊज आउट नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से दूसरे साइड से भी ऐसे पहले सील कर दीजिए। एक बार आपने ऐसे दोनों साइड्स को सील कर दिया है तो जो साइड आपकी तरफ है इस साइड से इस तरीके से आपको इसको पहले फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको आगे इस तरीके से धीरे धीरे रोल करते जाना है, एकदम हल्के हाथों से करना है। डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक बार ऐसे लास्ट में आप जब पहुंच जाएं तो आपको प्लास्टिक को ऐसे इस तरीके से फिर से घुमा लेना है और इसको सील कर लेना है। अच्छे से इसको पकड़ लीजिए, सील कर लीजिए टाइट तरीके से कि अच्छे से हमारा कबाब सील हो जाए और फ्राई करते टाइम इसमें से चीज़ नहीं निकले। अभी इसको कोट करने के लिए प्लास्टिक से ही ऐसे उठाना है और हल्के हाथों से अंडे में डाल देना है। अंडे में डालने के बाद एकदम हल्के हाथों से अंडे से कोट कर लीजिए। एक बार अंडे से आपने इसे कोट कर लिया है तो केयरफुली उठाना है और ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और ब्रेड क्रम से भी अच्छे से कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम से कोट करते टाइम प्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, बस एक ऐसे इस तरीके से बस ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, ब्रेड क्रम्स चिपक गए बस निकाल लीजिए। आप देख सकते हो हमने कबाब को शेप कर लिया है, इसी तरीके से सारे कबाब आपको शेप कर लेने हैं। तो मैंने तो सारे कबाब्स यहाँ पर शेप कर लिए हैं, लगभग 8, 9 या 10 कबाब बन जाएंगे इस मिक्सचर से, इस क्वांटिटी से, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का कबाब बनता है। इसको 1/2 करेंगे तो लगभग 3-4 लोग 5 लोग आराम से खा लेते हैं, अगर दूसरी भी चीज़ें आप सर्व कर रहे हैं तो। अब एक बार आपने इसे शेप कर लिया, शेप करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में रख दीजिए, तो क्या है थोड़ा सा शेप होल्ड कर लेंगे, और शेप होल्ड कर लेंगे तो फ्राई करने में आसानी हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप इसको थोड़ा पहले से प्रेप करके रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, फ्रीज़र में रहने दीजिए। जब आप निकालोगे इसे तो बहुत ज़्यादा समय तक होने नहीं देना है, इसको निकालना है फ्रीज़र से, फ्रिज में रख दो 1 घंटे के लिए कि टेम्परेचर इसका थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर निकाल कर गरम गरम तेल में इसको फ्राई करना है। एक बार बाहर से इसने स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो फ्लेम को लो करके आराम से फ्राई करोगे, तो उस तरीके से आप पहले भी 1-2 दिन पहले भी इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आपने इसे शेप कर लिया है
शेप करने के बाद 10-15 मिनट हो जाए, उसके बाद इसे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तेल को आपको 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेना है, यानी कि मॉडरेटली हॉट ऑयल आपका होना चाहिए, बहुत एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आपका तेल गर्म होना चाहिए और फ्लेम आपकी इनिशियली हाई होनी चाहिए। धीरे धीरे केयरफुली आपको तेल में चिकन कबाब को ऐड करना है, जितने आपको एक टाइम पे ऐड करने हैं, मैं यहाँ पर 3 ही खाली ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है तेल को। अब एक बार इन्होंने हल्का सा कलर पकड़ लिया, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से इस कबाब को फ्राई करना है कि अंदर तक जो चिकन है वो पक जाए। एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, एकदम क्रिस्प हो जाए आपके चिकन कबाब, यानी कि चिकन कबाब एकदम परफेक्टली पक गए हैं, बाहर से क्रिस्प हो गए हैं, आप देख सकते हो मैंने कैसे इसे पका लिया। इस स्टेज पर इनको निकाल लेना है तेल से, और तेल से निकाल कर एक छन्नी में या टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए कि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये आप देख सकते हो हमारे चिकन चीज़ चटनी कबाब रेडी हो गए। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। मज़ा आता है इसे खाने में, एकदम डिलिशियस लगते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से वो मेल्टेड चीज़ चटनी और वो चिकन शीक कबाब वाला मिक्सचर, इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है शेप करने में, लेकिन बनते बहुत बढ़िया हैं। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।